नवजात शिशु की तरह पौधों की भी रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि सेवा मिशन इकाई रायबरेली संस्था के कार्यों की उनके द्वारा खूब सराहना भी की गई और भविष्य के लिए संस्था की खूब प्रगति करे एवं मंगल शुभकामनाएं भी दी गई। उक्त बातें मातृभूमि सेवा मिशन इकाई रायबरेली के तत्वावधान में निःशुल्क योग वृक्षारोपण 400 फलदार वृक्षों के वितरण के कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उपवन विभागीय मयंक अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। मातृभूमि सेवा मिशन के संयोजक प्रदीप पांडे ने बताया कि प्राचीन समय में मनुष्य का भोजन वस्त्र आवास आदि वस्तुएं वृक्षों से ही पूरी होती थी। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों से ही पल्लवित तथा विकसित हुई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव हमारे वनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते वनों की अनाधुंध कटाई हो रही है। भारत में अब सिर्फ 20% वन बाकी रह गए हैं। वनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव देश में मनाया जाता है। वन महोत्सव को राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया गया है। इन महोत्सव की शुरुआत 1950 में भारत के केंद्रीय मंत्री श्री कन्हैया लाल मुंशी ने की थी। पेड़ों का त्यौहार वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है।